इट्स अ गुड टाइम टू रिमेम्बर द कोड बाय पीटर लिंच, विच इज एवरी वन हैज ब्रेन पावर टू मेक मनी इन स्टॉक्स बट नॉट एवरी वन हैज स्टमक तो दिस कोट इज वेरी रिलेटेबल टू करंट सिचुएशन बिकॉज यदि आप देखोगे तो फेड ने रिसेंटली सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है इंडिया में आरबीआई ने लगभग फिफ्टी बेसिस पॉइंट का किया है उसके पहले फोर्टी बेसिस पॉइंट्स का किया था तो इसका जो रीजन है दैट इज अन्फ्लेशन एंड अभी जो मार्केट में करेक्शन आया है डा जोन्स में या एस एन पी फाइव हंड्रेड में या नैसडैक में या इंडिया में निफ्टी में तो इसका जो रीजन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द जो रेट हाइक हुआ है एंड रेट हाइक का रीजन इज इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन अभी जो इंक्रीज हुआ है उसका हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं तो पैंडमिक के ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि लॉट ऑफ मनी प्रिंटिंग हैज हैपन इन यूएस तो इसके वजह से जो मनी का वर्थ है दैट एक्चुअली गॉन डाउन और जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जब भी डिमांड बढ़ रहा था एट द सेम टाइम जो सप्लाई है यानी जो चीजों का सप्लाई है दैट एक्चुअली हैज गॉन डाउन और इसका रीजन क्या है वाई द सप्लाई हैज रिड्यूस्ड बिकॉज चाइना में लॉकडाउन था और उसके बाद में ही फेब्रुआरी में यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया तो इसके वजह से लॉट ऑफ जो सप्लाई चेन्स है दैट कम अंडर स्ट्रेन और इसीलिए एट द सेम टाइम डिमांड हैज बिकॉज लॉट ऑफ मनी प्रिंटिंग हैज एंड एट द सेम टाइम सप्लाई चेन्स आर नॉट फुल्ली फंक्शनल इसके वजह से जो चीजों की प्राइजेस है वो काफी इंक्रीज होना शुरू हो गई इसीलिए हमने देखा होगा कि क्वार्टर थ्री या क्वार्टर टू एफ वाई ट्वेंटी वन ऑनवर्ड्स जो रॉ मटेरियल की प्राइजेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई इसमें आप देखोगे तो मेटल की प्राइजेस बहुत इंक्रीज हो गई जैसे कि स्टील हो गया या सीमेंट हो गया या इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया इसके अलावा जो एपीआई की प्राइजेस है दैट एक्चुअली इंक्रीज या जो बल्क केमिकल्स है कमोडिटी केमिकल्स है इनकी प्राइजेस इंक्रीज इसके अलावा जो क्रूड का प्राइस है वो भी काफी इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग पैंडेमिक जो क्रूड लगभग ट्वेंटी थर्टी डॉलर का उसने बॉटम बनाया था विच हैज गॉन अबाउट हंड्रेड डॉलर रिसेंटली यदि आप देखोगे तो वन ट्वेंटी डॉलर के भी ऊपर चला गया था आई थिंक टूडे जो क्रूड है वो लगभग हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन डॉलर के आसपास है तो जो बेसिक रॉ मेटर की प्राइस है उसमें काफी इंक्रीज हो गया था और इसका बेसिक रीजन इज जो सप्लाई चेन से जो थोड़ी पहले ओपन अप हो रही थी आफ्टर पैंडमिक उसके बाद में दो इमीडिएट बिग इवेंट्स हो गए फर्स्ट इज लॉकडाउन इन चाइना ड्यू टू कोविड एंड सेकेंड इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इतने समय तक चलेगा तो वी आर एट दिस सिचुएशन कि जहां पे मैक्रोज आर वेरी बैड फॉर एटलीस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट वैल्यूएशन आई फील की लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मे बी टू और थ्री ईयर और फाइव ईयर्स तो यहां पे यदि आप आज का सिचुएशन देखोगे विच इज वेरी वेरी बैड ऑन एवरी एस्पेक्ट बट आई थिंक रिसेंटली जो न्यूज आ रही है कि चाइना में जो लॉकडाउन है वो ओपन अप हो रहा है या इसके अलावा जो फ्रेट कॉस्ट थी विच हैज इंक्रीज अ लॉट ड्यूरिंग पैंडमिक बिकॉज ऑफ जो सप्लाई चेन्स थे उसमें काफी इश्यूज थे तो आई थिंक समवेयर द न्यूज इज दैट समेर जो फ्रेट रेट्स है वो कम हो गए लगभग 15 से या जो कंटेनर अवेलेबिलिटी का इश्यू था दैट इज ऑल्सो स्लोली आप देखोगे तो कमिंग ऑन ट्रैक इफ यू रीड द डिफरेंट कॉन्कॉल्स ऑफ द डिफरेंट कंपनी तो आई थिंक ऑलरेडी जो वर्ल्ड सिचुएशन है दैट इज प्राइज इन यहां से मे बी इंडेक्स में कुछ और करेक्शन हो सकता है

वेरी वेरी पेसिमिस्टिक कांड ऑफ सिचुएशन तो इसमें आई पर्सनली एक्सपेक्टिंग जो क्रूड का प्राइजेस है वो हंड्रेड डॉलर के नीचे आना चाहिए एंड इसका मेजर ट्रिगर विल बी द कंक्लूजन ऑफ द वॉर जो दिन हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का कुछ सेटलमेंट हुआ है अंडर सर्टन टर्म्स आई एम एक्सपेक्टिंग ऑयल की जो प्राइजेस है उसमें करेक्शन आना चाहिए एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर द होल वर्ल्ड नॉट ओनली इंडियन कंपनीज या अदर कंपनीज जैसे कि स्टील की प्राइजेस या एल्यूमिनियम की प्राइजेस दैट आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग की इन नेक्स्ट अबाउट सिक्स मंथ दे शुड कम डाउन अबिट रिसेंटली जो एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी है वो इंक्रीज की थी फॉर स्टील प्रोडक्ट तो उसके वजह से भी जो स्टील की प्राइसेस है वो लगभग फिफ्टीन परसेंट से यहाँ पे करेक्शन आया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर ऑल्सो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है विच विल बी वेरी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी इसके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग जो फ्रेट रिलेटेड इशूज है या जो कंटेनर रिलेटेड इशूज है यहां पे दो मेजर इश्यूज है फर्स्ट थिंग इज अवेबिलिटी एंड सेकेंड थिंग इज कॉस्ट तो आई पर्सनली एक्सपेक्टिंग ये जो दोनों इश्यूज है ये नेक्स्ट अबाउट टू क्वार्टर्स में इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन आएगा ये जो कॉस्ट है फ्रेट की वो काफी कम हो जाएगी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड वी हैव अ बेटर मैक्रो पिक्चर इन एटलीस्ट नेक्स्ट टू क्वार्टर्स तो दिस इज माय पर्सनल व्यू आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील की दिस इज अ गुड पॉइंट टू अक्यूबलेट क्वालिटी स्टॉक्स क्योंकि आप यदि नेक्स्ट थ्री या फोर इयर्स के बाद में ये सिचुएशन देखोगे तो आई थिंक इट माइट बी समेर नियर बॉटम एग्जैक्टली नो वन नोज द बॉटम निफ्टी मे गो अप टू ट्वेल्व थाउजेंड की जो लेवल से उस तक तो जा सकती है बट आई पर्सनली फील की जो स्मॉल एंड मिड कैप में यहां पर काफी हेवी करेक्शन हुआ है इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू एंट्रेंट या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसमें भी उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एस आई बी करना है या इवन लमसम भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट आई विल बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक पर क्योंकि जहां पे अर्निंग्स है जहां पे अच्छा मैनेजमेंट है जहां पे अच्छे प्रोडक्ट्स है सिर्फ यहाँ पे सेंटिमेंट खराब है आई विल बेसिकली पिक दो स्टॉक्स एंड आई विल कीप ऑन होल्डिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो यहाँ पे आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट सर्टन स्टॉक्स विच आई स्टार्टेड एडिंग इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो तो इसमें गरवारे हाईटेक फिल्म करके एक स्टॉक है तो उनका यदि आप प्रोडक्ट सेगमेंट देखोगे तो दे आर मेजरली इन टू टू प्रोडक्ट सेगमेंट इसमें वो पॉलिस्टर बेस्ड फिल्म बनाते हैं तो इसमें दे हैव हाँ वेरी गुड ब्रांड विद द नेम ग्लोबल तो ये जो उनका ब्रांड है वो जनरली आउट ऑफ इंडिया के लिए है मोस्टली यूएस मार्केट्स के लिए तो जो विंडो पे फिल्म लगता है आपकी कार की जो विंडो है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन जिससे कार के अंदर सनरेज कम आते हैं और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है तो ऐसी जो फिल्म है वो एटलीस्ट इंडिया में बैंड है ड्यू टू वेरियस रीजन टू में यहां पे बैन आ गया था बट जो अदर कंट्रीज है उसमें यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ग्लोबली ऐसी सिर्फ टू कंट्रीज है जिसमें ये जो फिल्म है यानी जो सन कंट्रोल फिल्म जिसको कहा जाता है इस इसपे बैन है अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखोगे तो इट्स अलाउड टू यूज एंड गरवारे हाईटेक फिल्म का यहाँ पे एक अच्छा मार्केट आप देखोगे तो उन्होंने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा नीस प्रोडक्ट है इसके अलावा मैं आपको और एक प्रोडक्ट उन्होंने जो रिसेंटली लॉन्च किया है इसके बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे गरवारे हाईटेक ने उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा सेटअप किया है कि वो इंडिया में उनका औरंगाबाद में प्लांट है वेर दे है वेरी गुड बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी वो काफी बेसिक रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं लाइक एम दे प्रोक्योर फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड उसके बाद में उनका कंप्लीट जो वैल्यू चेन है उनके पास इन हाउस है एंड फाइनल जो प्रोडक्ट है दैट डे सेल टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स विच आर इन टू यूएस एंड अदर मार्केट्स एंड फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो आगे जाके कस्टमर को सेल करता है गरवारे हाईटेक फिल्म ने रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पीपीएफ इसका भी जो यूज है वो कार्स में होता है तो जो विंडो फिल्म है वो विंडो के ऊपर रखती है जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो कार के अलग अलग बॉडी पार्ट पे जाता है जैसे कि बंपर हो गया या रियर व्यू मिरर्स हो गया या फेंडर्स हो गया या ऐसे अलग अलग जो कार के मेन मेन पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो लगता है या यहां पर ऐसे भी कस्टमर है जो कंप्लीट जो कार है उसको पीपीएफ से रैप करते हैं या उसका एक कोटिंग देते हैं तो यदि आप नॉर्मली कार को देखोगे तो आपको समझेगा भी नहीं कि यहाँ पे पीपीएफ लगाया है तो पीपीएफ या पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का यूज क्या है तो बेसिक यूज ऑफ दिस फिल्म इज टू सेव यूर पेंट फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन यानी जैसे कि छोटे छोटे जो पत्थर है वो रोड से यहाँ पे आपके कार्स पे लग सकते हैं या इसके अलावा बर्ड ड्रॉपिंग से भी आपके कार का जो पेंट है वो खराब हो सकता है तो ये इसका प्राइमरी एप्लीकेशन है एंड जनरली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो एटलीस्ट यूएसए या जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो थोड़ा हाई एंड मार्केट है यानी जो काफी एक्सपेंसिव कार्स है जैसे कि पोर्शे हो गया या बीएमडब्ल्यू हो गया या इसके अलावा मर्सिडीज है या टेस्ला जैगोर ऐसे जो प्रीमियम ब्रांड्स है ये जो ब्रांड्स की कार से उसमें जनरली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म सो यूज होता है क्योंकि ये जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से वो है।, है वो काफी एक्सपेंसिव होती है इफ यू चेक पर फीट का जनरली जो कॉस्ट है वो लगभग फाइव हंड्रेड रुपीज के आसपास है फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड अलग अलग वेरिएशन आते हैं इसमें तो जनरली एक कार को व्रैप करने के लिए लगभग टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी स्क्वेर फीट लगते हैं तो इफ यू टेक द कॉस्ट तो जनरली एक बी साइज की जो कार है इट मे कॉस्ट यू अबाउट मोर देन वन लैख रूपी जनरली दिस इज द रेंज एंड इट इज अ वेरी वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट और इसमें मार्जिन भी काफी अच्छे है तो इंडिया में यदि आप देखोगे तो इट्स अ ओनली कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स बाकी भी कंपनीज है अपार्ट फ्रॉम गरवारे हाईटेक जैसे कि 3M है या लुमनार है या इसके अलावा एक्सपेल करके एक कंपनी है विच इज यूएस बेस्ड कंपनी तो वो भी इंडिया में सेल करते हैं एक्सपेल इज वेरी वेरी फेमस कंपनी उन्होंने अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटअप किया है यूएस में बट यहां पे इंटरेस्टिंग थिंग इज इज ट्राइंग टू सेट सेटअप अर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया विच हैव डिस्कलोज इन रिसेंट कॉन कॉल एक्सेसरी स्टूडियो तो ऐसे लगभग वो टू हंड्रेड प्लान करने वाले हैं इन नेक्स्ट अबाउट टू टू थ्री इस तो यहां पे काफी एक अच्छा मुझे लगता है कि मॉडल वो सेटअप कर रहे हैं एंड इट विल बी द फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल उनके बैलेंस शीट से डायरेक्टली उनको कुछ एक्सपेंस नहीं करना है कैपेक्स नहीं करना है ओनली थिंग वॉट गरवाले विल डू कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको कुछ डिस्काउंट्स में उनके जो प्रोडक्ट्स है वो पास ऑन करेंगे बट एक अच्छा ब्रांड वो यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं तो इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन टू विंडो फिल्म उसके अलावा वो पेन प्रोटेक्शन फिल्म भी जो है वो मेजरली टारगेट करेंगे एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए एंड इंडिया उनका ज्यादा फोकस नहीं था इनिशियली ओनली फाइव परसेंट उनका फोकस था इंडियन मार्केट्स पे बट मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोज किया है कि इंडिया में उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है तो दे आर एक्सपेक्टिंग ऑफ ट्वेंटी परसेंट के जो पीपीएफ के रेवेन्यूज है वो उनको इंडियन मार्केट से आ सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स भी बता देता हूं तो जनरली जो पीपीएफ के उनके रेवेन्यूज का एक्सपेक्टेशन है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट थ्री हंड्रेड इन नेक्स्ट टू ईयर्स टिल एंड ऑफ एफ आई और ये जो पीपीएफ का कैपेक्स उन्होंने किया है वो लगभग वन थर्टी का किया है ऑल द कैपेक्स विच देव डन इज फ्रॉम द इंटरनल अप्रूवल ये कंपनी में कोई डेट नहीं है एक्चुअली में 200 हंड्रेड करोड़ का विंडो प्रीवियस एप्लीकेशन बट यहाँ पे जो एंड यूज है वो थोड़ा अलग है पहले घर वाले ने जो मैनुफेक्चर किए हुए विंडो फिल्म है वो जनरली ऑटोमोबाइल के एप्लीकेशन में जाते थे अभी एडिशनल जो उन्होंने कैपेक्स किया है विंडो फिल्म के लिए ही इसका एप्लीकेशन कैन बी आर्किटेक्चरल फिल्म आप घर पे उसका यूज कर सकते हो टू सेव फ्रॉम द सनरेज, या जो अलग अलग होटल करते हैं पीपीएफ तो है। के उनके जो मार्जिन होने वाले इट विल बी दाइएस्ट मार्जिन कंपेयर टू ऑल अदर प्रोडक्ट और पीपीएफ ये जो मटीरियल है या ये जो आप देखोगे जो फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है उसका जो फीड स्टॉक है विच इज कॉल्ड एस टीपी थर्मोप्लास्टिक पॉलियोरेथिन तो ये जो पीयू है यानी पॉलियोरेथिन इसका नाम आपने अलग कंपनी का स्टडी करते हुए मे भी सुना होगा जैसे कि रिलैक्सो के जो फुटवेयर है उसमें पीयू जाता है या इसके अलावा मयूर यूनिकवार्ट करके और एक कंपनी है विच इज इन आर्टिफिशियल जो लेदर है उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग में है वो भी पीयू का मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में तो टीपीयू एंड पीयू इज नियरली सिमिलर कैटेगरी नॉट एक्जैक्टली सेम थर्मोप्लास्टिक्स में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है बिकॉज ऑफ दैट यदि आप पीपीएफ में देखोगे तो जो फिल्म लगती है कार के ऊपर उसमें एंटी हिलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है यानी सपोज आप उसको कुछ स्क्रैच करते हो या स्क्रब करते हो कोई मेटल ब्रश से या सपोज कुछ जो स्टोन से छोटे छोटे वो लग जाते हैं इट विल एंटी एंटीहिल ऑटोमेटिकली इट सेल्फ यानी जो स्क्रैचेस है वो आपको दिखाई नहीं देखे दैट इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज द टीपीयू प्रॉपर्टी तो यदि आप ये कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड बैलेंस शीट 200 करोड़ का कैश है इनके पास इसके अलावा उनके पास एक लैंड है विच इज एट विले पार्ले इन मुंबई तो ये जो मुंबई में उनका लैंड है करंटली गरवारे का ऑफिस वहां पर है और ये उनका नॉन कोर असेट है एंड इसका जो वैल्यू है लगभग 700 टू हंड्रेड करोज का कंपनी में कैश है एंड इफ यू चेक द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी विच ऑलमोस्ट अबाउट सिक्सटीन हंड्रेड करोज फिफ्टीन टू सिक्स हंड्रेड करोज का है तो इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स मीन फिफ्टीन हंड्रेड करोस माइनस सेवन फिफ्टी माइनस टू फिफ्टी तो लगभग आपको जो आंसर मिलेगा वो सिक्स हंड्रेड करोज के आसपास मिलेगा तो यहाँ पे कंपनी जो है वो एवरी ईयर वन फिफ्टी टू वन सेवन का कैश जनरेट कर रही है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट आई एम टॉकिंग अबाउट द कैश क्योंकि यदि आप ये कंपनी का रिसीवेबल डेज चेक करोगे इट्स ओनली नाइन डेज तो दे आर एक्चुअली टेकिंग एडवांस फ्रॉम द कस्टमर एंड देन ओनली दे आर गिविंग द दटेरियल है इवन फॉर द एक्सपोर्ट तो आई फील दिस कंपनी हैज मैनेज दियर बैलेंस इट वेरी वेरी कंजर्वेटिवली एंड देर वेरी इफिशियटली एबल टू कलेक्ट देर कैश यदि आप एबिटा और जो कैश फ्लो का कन्वर्जन देखोगे तो आई थिंक नियरली अबाउट सेल्थी एंड ऐसा जो बिजनेस ट्रेडिंग अंडर टेन पी तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मैनेजमेंट या प्रमोटर रिलेटेड कुछ कंसर्स मार्केट को है और इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्टॉक है वो फिलहाल में अंडर टेन पी ही मिल रहा है वन ऑफ द रीजन इज मैनेजमेंट का जो सैलरी है वो ज्यादा है या इसके अलावा मैनेजमेंट का या प्रमोटर का ही एक कंपनी है वहां पे कुछ अमाउंट जो है वो गरवारे हाईटेक से वो कंपनी में जा रहा है बिकॉज मैनेजमेंट इज क्लेमिंग उनका जो प्रोसेस है टू मेक दिस पॉलिस्टर फिल्म विच इज वेरी यूनिक एंड डैट्स वाई दे आर टेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट तो ये अलग अलग कंसर्न मार्केट को है एंड ड्यू टू विच मार्केट इज नॉट गिविंग देन द प्रॉपर वैल्यूएशन बट आई पर्सनली थिंक करंटली जो प्राइस है लगभग सिक्स फिफ्टी रुपीज का जो प्राइस है इसमें मोर और लेस जो निगेटिव पॉइंट है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है यही प्राइस में एंड यहां से मे बी जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड हो सकता है क्योंकि बैलेंस शीट काफी अच्छा है ब्रांड काफी अच्छा है और कंपनी काफी अच्छे न्यू प्रोडक्ट्स लेके आई है जिसमें काफी अच्छे मार्जिन उनके हो सकते हैं जिसमें कंपनी और फर्दर कैपेक्स भी कर सकती है क्योंकि कैश है कंपनी के पास दे डोंट हैव टू टेक एनी डेट तो मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है इफ यू हैव अ राइट सेट ऑफ कंपनीज एट गुड कंपनीशन एंड प्रोडक्ट अच्छा है बिजनेस अच्छा है लेस कॉम्पिटिशन है वहां पर and you know what you have bought then only remaining thing is a patience if you have a patience for next थ्री to फाइव years so I think this is the best possible opportunity to invest in this scenario and we can really get very very good return इसके अलावा मैं प्राज इंडस्ट्रीज का जो वेबिनार 26 को कंडक्ट करने वाला हूँ यानी नेक्स्ट संडे को तो ऐसे अलग अलग जो अपकमिंग वेबिनार्स हो गए वो सारे मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के लिए एबसोल्यूटली फ्री हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए वी आर टेकिंग ओनली स्मॉल फीस विच इज टू फिफ्टी जो कोई एक संडे की मूवी टिकट से भी आप देखोगे तो कम होगा तो ये जो प्राज इंडस्ट्रीज का वेबिनार है वो काफी डिटेल वेबिनार होगा विच इज ओनली फॉर टू फिफ्टी रूपीज एंड इसके अलावा इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होंगे तो आई विल बी कवरिंग मल्टीपल टॉपिक्स इन दिस वेबिनार जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी हम शुरू करेंगे जब इंडिया में ट्वेंटी का इथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा जो गवर्नमेंट ने ट्वेंटी तक प्लान किया है तब तक प्राज इंडस्ट्रीज के लिए कितना बड़ा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसके अलावा जो फ्यूचर में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होगा वो 2G रूट से होगा यानी करंटली जो इथेनॉल हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो मोस्टली मोलासिस या शुगर किन से मैन्युफैक्चर करते हैं या यूएस में कौन से मैन्युफैक्चर होता है बट आगे जाके जो वेस्ट है एग्री जो वेस्ट है इससे इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होगा जिसको टू रूट कहा जाता है इसमें आप देखोगे तो वीट स्ट्रॉ आ गया या राइस ट्रॉ आ गया या बगास आ गया या अलग अलग जो एग्री के वेस्ट है इससे इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होगा तो यहां पे क्या क्या एडवांटेजेस है प्राज इंडस्ट्रीज के पास क्या कॉम्पिटेंसी है या उनके पास क्या आर एनडी है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा एविएशन यानी एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होगा आगे जाके जो बायोबेस्ड फ्यूल होगा जिसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी सैफ कहा जाता है तो ये फ्यूल रिलेटेड कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्राज प्राज ने कुछ टाइप्स की है जिसमें वो आइसोब्यूटेनॉल यानी एक ऐसा कंपाउंड है जो एथेनॉल के साथ ही मैन्युफैक्चर होगा उसको आगे जाके एस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो फाइनली एयरक्राफ्ट में यूज होगा इसके अलावा मरीन में कौन कौन से अलग अलग फ्यूल्स होते हैं और मरीन साइड में भी काफी रेगुलेशन जो है वो रिसेंटली चेंज हुआ है सल्फर का कंटेंट काफी कम करने को बोला है मारपोल ने तो ऐसी जो अलग अलग पॉलिसीज है जो अलग अलग कंट्रीज ने प्लान की है टू रिड्यूस द टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस करना है इसके वजह से प्राज इंडस्ट्री जैसे कंपनीज को देर इज अग अपॉर्चुनिटी तो अलग अलग ऑप्शनलिटीज डिस्कसिंग इन दिस वेबिनार आई टोल्ड यू अबाउट वन जी प्लान एविएशन फ्यूएल मरीन फ्यूएल इसके अलावा बायोविटीमिन हो गया या इसके अलावा आरसीएम यानी रिन्यूएबल केमिकल जो मटेरियल दैट ऑल्सो प्राज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर जो पीपीटी मैंने अब तक कंप्लीट किया है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 150 पेजेस आई मे गो अप टू 200 पेजेस सो इट विल बी वेरी डिटेल वेबिनार वेरी डिटेल आई विल कवरिंग इन डेप्थ अबाउट अदर वेबिनार. इट इज ओनली फॉर टू फिफ्टी रूपीज विच इज शेड्यूल ऑन द संडे, फॉर ट्वेंटी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू और यदि आप वेबिनार अटेंड नहीं कर पाते हो तो आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग विद एवरी वन सो दैट यूल ऑल्सो कम टू नो की प्राज इंडस्ट्रीज में क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है एंड डेफिनेटली यूल्सो लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस वेबिनार एंड आपके नॉलेज में काफी एडिशन होगा तो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द प्राज इंडस्ट्रीज वेबिनार इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अबाउट द करंट मार्केट क्रैश एंड इसके अलावा मैंने काफी डिटेल में आपको गरवारे के बारे में बताया इफ यू रियली वॉन्टेड टू नो इन डिटेल अबाउट एनी कंपनी गरवारे का मैं इससे बेटर एक अच्छा इन डेप्थ वीडियो भी क्रिएट कर सकता हूं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इसके अलावा हम ट्रैकिंग मल्टीपल कंपनीज तो यदि आपको कोई सजेशन होगा तो प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक like कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाए